Today I am going to tell you about an unformatted function of C. So let us start. First of all, you have to define the two header file stdio.h and stdio.h folio.h, and then open the main function and then start the main function and initialize some variable for the unformatted function, which require the variable. So first of all, I define the character ch, then character string at character, then character message equals to hello world. दोनों तरह से हम इस एरे में वैल्यू को इनिशियलाइज करके दिखाएंगे. पहले में स्ट्रिंग 80 है जो जिसमें हम स्ट्रिंग को इनपुट करेंगे, और मैसेज हेलो वर्ड जो है वो जिसमें मैसेज में हमने हेलो वर्ड को असाइन किया है. मैसेज जो है वो डायनेमिक आ रहा है और स्ट्रिंग 80 जो है स्टैटिक आ रहा है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ करेक्टर 80 डिफाइन है और मैसेज में नंबर ऑफ करेक्टर डिफाइन नहीं है. int I equals to 0 लिया है जो हम वाइल का लूप चलाएंगे मैसेज को प्रिंट करने के लिए. clrstr लिया है तो स्क्रीन को वो क्लियर करेगा. अब प्रिंट एफ किया get chr क्या करेगा, एक करेक्टर लेगा और उसको put chr से प्रिंट कर देगा. तो हमने प्रॉम्प्ट इसीलिए लिया जिससे आपको समझ में आए, अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं नहीं समझ में आएगा. तो प्रिंट एफ से हमने प्रॉम्प्ट लगाया गेट सी एच आर और पुट सी एच आर. तो जब हम इसको रन करेंगे तो वो एक करेक्टर लेगा और एक करेक्टर को डिस्प्ले कर देगा. बैक स्लैश एन लिया है कि न्यू लाइन पे चला जाए. देन एफ फ्लश एस टी डी इन. अब स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम में से अनवांटेड करेक्टर्स को हटाने के लिए एफ फ्लश करते हैं हम लोग, जो क्लियर कर देता है करेक्टर्स को. प्रिंट एफ इनपुट स्ट्रिंग. अब हमको स्ट्रिंग इनपुट करनी है जो हमने ऊपर डिफाइन किया. देखिए स्ट्रिंग डिफाइन किया है. जब हम स्ट्रिंग को गेटस करेंगे तो स्ट्रिंग उसमें आ जाएगी. द स्ट्रिंग प्रिंट बाई प्रिंट एफ इनपुट वॉज परसेंट एस. अब हम दो फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड दोनों तरह से स्ट्रिंग को प्रिंट करके आपको दिखाएंगे. पहले फॉर्मेटेड करेंगे तो परसेंट एस फॉर स्ट्रिंग लेंगे और प्रिंट एफ के थ्रू स्ट्रिंग को प्रिंट कर लेंगे. अब जब हम अनफॉर्मेटेड लेंगे तो पुट एस के थ्रू हम स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे, जिसके लिए हमें पुट एस स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा जिसका उसका सिंटैक्स है. फिर प्रिंट एफ इनपुट ए करेक्टर यूजिंग गेट सी फ्रॉम इनपुट स्ट्रिंग. वैसे तो गेट सी आपका फाइल के अंदर यूज होता है, लेकिन क्योंकि अभी हम लोग ने फाइल नहीं पढ़ा है तो स्ट्रिंग से हम करेक्टर को ले करके उसको प्रिंट करेंगे. रीड अ करेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम. तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम से हम करेक्टर को रीड करेंगे. प्रिंट करेक्टर इनपुट वॉज परसेंट सी. अब फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड दोनों तरह से उसको प्रिंट करके दिखाएंगे. पहले उसको गेट करेक्टर इनपुट वॉज परसेंट सी सी एच करेंगे तो ये प्रिंट एफ के थ्रू प्रिंट हो जाएगा. और फिर पुट सी करेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा, जिसको मैसेज में हम आपको प्रिंट करके दिखा देंगे. तो गेट सी जब हम कर सी एच ई करते हैं तो करेक्टर इनपुट जो होता है गेट सी एच ई से वो आपका स्क्रीन पे दिखाई देता है. तो उसको हम प्रिंट करके दिखा रहे हैं कि गेट सी एच ई क्या करता है और गेट सी एच क्या करता है. तो गेट सी एच ई जो होता है, जो करेक्टर एक लेता है उसको इको करता है. पुट सी असाइन अ वैल्यू इन द मैसेज एरे हेलो वर्ल्ड. अब जो हमने मैसेज में हेलो वर्ल्ड डिफाइन किया था उसको वन बाई वन करेक्टर प्रिंट करेंगे. कैसे, वाइल लूप में मैसेज आई करेंगे. आई हमने इनिशियलाइज जीरो किया है, कोई भी वैल्यू जीरो पोजिशन से स्टार्ट होती है. तो पुट सी मैसेज आई प्लस प्लस जब हम करेंगे तो वो एक एक करके बढ़ता जाएगा वैल्यू को और आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. कहाँ, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम में. और गेट सी एच फिर करेंगे जब पूरा प्रिंट हो जाएगा. तो गेट सी एच डज नॉट इको द करेक्टर, जो आपको स्क्रीन पे करेक्टर आप इनपुट करिएगा वो दिखेगा नहीं. गेट सी एच में जो करेक्टर इनपुट होता है वो दिखता नहीं है. चलिए अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपको पता लगेगा कि
ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, रिटर्न जीरो जो होता है वो मेन फंक्शन को टर्मिनेट करता है। अब इसको हम रन करते हैं, ऑल्टर आर करिए, रन करिए। अब ये आपसे करेक्टर मांगेगा, कोई भी एक करेक्टर हम देते हैं तो वो पुट करेक्टर से प्रिंट हो जाएगा। इनपुट स्ट्रीम करते हैं तो स्ट्रिंग करते हैं तो हमने इसमें दिया वेलकम टू द प्रैक्टिकल सेशन, क्योंकि 80 करेक्टर है तो आप बड़ा ले सकते हैं। कितना किया हम लोग ने, द स्ट्रिंग प्रिंट बाय प्रिंट इनपुट वाज वेलकम टू द प्रैक्टिकल सेशन, स्ट्रिंग प्रिंट बाय पुट इज वेलकम टू द प्रैक्टिकल सेशन। अब दोनों ढंग से उसने प्रिंट किया, लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो प्रिंट एफ में लगेगा और पुट एस में नहीं लगेगा। इनपुट अ करेक्टर इज यूजिंग गेट सी। अब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से हम एक करेक्टर ले रहे हैं कोई भी, तो वो करेक्टर इनपुट वॉज डी, पुट एस से वो करेक्टर प्रिंट हो जाएगा। अब हम करेक्टर यूजिंग गेट सी जब लेंगे तो कोई करेक्टर जो हम डालते हैं, देखिए एल आपका इको हो गया। अब पुट सी असाइन वैल्यू मैसेज, और वाइल लूप में हमने मैसेज को प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड, तो वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। अब गेट सी एच करेंगे तो वो इको नहीं होगा, गेट सी एच डज नॉट इको द करेक्टर, जो हमने करेक्टर डाला था वो स्क्रीन पे नहीं दिखा। अब हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो गया। तो इस तरह से हम अनफॉर्मेटेड और फॉर्मेटेड फंक्शन को कंपेयर करके, रन करके उसको समझ सकते हैं कि गेट सी एच से क्या होता है, गेट सी एच से क्या होता है, पुट करेक्टर से क्या होता है, पुट गेट करेक्टर से क्या होता है, गेट एस पुट एस से क्या होता है, गेट सी पुट सी से क्या होता है। तो ये आपके प्रोग्रामिंग में आगे बहुत हेल्प करेगा। इसको आप बहुत अच्छे से बार बार रन करके समझ लीजिए और याद कर लीजिए सिंटैक्स, जिससे आगे आपको दिक्कत ना हो। So this is all today viewer, if you like it please share and subscribe my channel Ratan Agarwal IT Informer to get more these type of video in C, and share to your friends who want to learn the C, and follow my all social media link, go to my community and comment there, ask your question if any query in comment. Thank you.